हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ एक और नई जानकारी के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके शरीर में यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो फिर आपके शरीर में इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा तत्व होता है जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। लेकिन आजकल के हमारे खान पान की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल के वजह से हमारे शरीर को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिल पाता है। और यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो इससे काफ़ी गंभीर रोगों के होने की आपके शरीर में आशंका हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या क्या ऐसे आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इसका लक्षण होता है वह होता है अगर आपके दांतों में सड़न पैदा हो गई है, आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। इसके अलावा नाखूनों का कमज़ोर होकर टूटना, यदि आपके नाखून ब्रिटल हो रहे हैं यानी भुरभुरे होकर टूट रहे हैं, आपके बाल कमज़ोर होकर लगातार झड़ रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। इसके अलावा यदि आपको हमेशा कमजोरी और थकान महसूस होती है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द की समस्या भी आपको रहने लगी है, तो भी यह कैल्शियम की कमी का संकेत होता है। इसके साथ ही यदि आपके हाथ पैरों और मांसपेशियों में हमेशा दर्द रहता है और इस तरह से यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यह भी कैल्शियम की कमी का एक लक्षण होता है। इसके अलावा मांसपेशियों में ऐंठन रहना भी शरीर में कैल्शियम की कमी की ओर संकेत करता है। दिमाग में हमेशा तनाव रहता है, याददाश्त लगातार कमज़ोर हो रही है, तो यह भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी का लक्षण होता है। तो दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके।